ये जो प्लान है ये बाइनरी प्लान है और इसमें केवल आप दो ही लोगों को अपने स्पॉन्सर आईडी से आप स्पॉन्सर कर सकते हो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही आईडी ले सकता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनकी एक ही आईडी यहाँ पर प्लेसमेंट होती है। और उसके बाद में आप जिनकी भी आईडी लगाना चाहते हो उनकी उम्र ये 20 इयर्स होना बहुत जरूरी होता है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको या तो आधार कार्ड का नंबर देना होता है या आपके पास पैन कार्ड यदि हो तो आप पैन कार्ड का नंबर दे के फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें देने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि एटोमी बिजनेस में हम इनकम कैसे बना सकते हैं और एटोमी बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हम देखेंगे कि डेली नए नए बिजनेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमने एटोमी को क्यों करना चाहिए। तो एटोमी का जो प्लान है ये बाइनरी प्लान है और बाइनरी प्लान तो है ही है, लेकिन एक बार यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यहाँ पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे नहीं लगते। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इस बिजनेस को जहां जहां एटोमी है ग्लोबली वहां वहां आप इस बिजनेस को कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड डेप्थ तक ये प्लान आपको एकुमुलेशन सिस्टम से आपको इनकम दिला सकता है। ऐसा दुनिया में कोई प्लान नहीं है जो आज मैं आपके सामने में शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो तरह की इनकम है, वैसे तो तीन तरह की इनकम है, लेकिन तीसरी तरह की जो इनकम है वो ऑप्शनल है, वो बाद में आपको पता चल जाएगी। लेकिन जो दो तरह की इनकम है, ये दो तरह की इनकम हर व्यक्ति यहाँ पर ज्वाइन होने वाला वो ले सकता है। तो पहली जो इनकम होती है ये डेली बेसिस पे होती है और दूसरे तरह की जो इनकम होती है ये एवरी 15 डेज की इनकम होती है। तो कंपनी का प्लान समझने के पहले हम देखेंगे कि कोई भी चीज 100% में होती है, 100% में से 30% कंपनी अपने पास रखती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, उनका प्रॉफिट आ गया और सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे उसी में आते हैं। दूसरी जो है 44% ये डेली पॉइंट वैल्यू बेसिस के ऊपर 8 स्लैबों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दूसरा जो इनकम होता है जो एवरी 15 डेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको मास्टरशिप बोनस लेवल कहा जाता है। और 6% जो है ये एजुकेशन सेंटर, ट्रेनिंग, वन डे सेमिनार, इनके लिए अलॉट किया जाता है। ऐसा कुल मिला के 70% कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप देखेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी, अभी आप इनकम कैसे बनाएंगे। तो कोई भी आम इंसान यहाँ पर इनकम बना सकता है, बशर्ते बात यह है कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों चालू होनी चाहिए। तो सबसे हम देखेंगे कि पहला लेवल का इनकम, पहले लेवल की इनकम यदि आपको अचीवमेंट करनी है तो आप ज्वाइन होने के बाद में आपको मात्र 10,000 पॉइंट बनाना है। ये जब तक आपके 10,000 पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप इस सिस्टम से अर्न नहीं कर सकते। तो 10,000 पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास में जो रेंज है, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, हर्बल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, किचनवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट में से आप कोई भी प्रोडक्ट लगभग 1500 रुपए की खरीदारी करके ले लेते हो तो आपके मिनिमम 10,000 पॉइंट हो जाते हैं। और 10,000 पॉइंट जैसे ही आपके बन जाते हैं तो आप पहले लेवल के इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो मान लीजिए आपने 10,000 पॉइंट बना लिए, 10,000 पॉइंट बनने के बाद में अभी आपको इनकम कैसे आएगा। तो अभी एक काम ये करना है कि आपका जो लेफ्ट साइड का ग्रुप है और राइट साइड का ग्रुप है इनमें सब मिला के जब 3 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट में, 3 लाख पॉइंट वैल्यू राइट में, जैसे ही ये मैचिंग होता है तो मैच होने के बाद में आपको 1625 रूपए अलॉटमेंट हो जाता है। ये डेली कैलकुलेशन होता है और आपको एवरी वीक आपके अकाउंट में दिया जाता है। दूसरा लेवल होता है आपके पर्सनली 3 लाख पॉइंट। तो जैसे जैसे आपकी खरीदी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पॉइंट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये एक्युमुलेशन सिस्टम से पॉइंट हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दूसरे लेवल की इनकम होती है कि आपने 3 लाख पॉइंट अचीवमेंट कर लिए, अभी ग्रुप जैसे जैसे और आगे बढ़ता है तो ग्रुप का बिजनेस भी बढ़ते रहता है और ग्रुप में फिर से 3 लाख पॉइंट, 3 लाख पॉइंट मैच होता है, तो अभी यहाँ पर आपको 4,700 रूपए मिलते हैं। नेक्स्ट लेवल ये होता है 7 लाख पॉइंट वैल्यू। जैसे ही आपकी खरीदारी फिर से और बढ़ती है तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके पर्सनली 7 लाख पॉइंट हो जाएंगे।
तब तक आपका ग्रुप भी काफी बड़ा बन चुका होगा, और जब ग्रुप बड़ा होगा तो ग्रुप के टर्नओवर भी बड़े होंगे। तो अभी आपने क्वालिफिकेशन पा ली है 7 लाख तीसरे लेवल की, और यहाँ पर आपका ग्रुप में लेफ्ट साइड में यदि 7 लाख पॉइंट वैल्यू हो रहे और राइट साइड में 7 लाख पॉइंट वैल्यू हो रहे, तो 7 लाख 7 लाख जब भी मैच करते हैं आपको 10,000 रूपए यहाँ पर एवरी मैचिंग दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल है 15 लाख पॉइंट वैल्यू। जैसे ही आपके 15 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं और ग्रुप में भी 15 लाख 15 लाख लेफ्ट एंड राइट में मैच होते हैं तो आपको 20,000 रूपए दिए जाते हैं। उसके बाद में आपका जो लास्ट लेवल होता है पर्सनल पॉइंट का, वो होता है 24 लाख। 24 लाख जैसे ही आप पॉइंट बना लेते हो तो उसके बाद में आपको लाइफ टाइम कोई पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपको बस एक ही काम करना होता है लाइफ में, ये क्वालिफिकेशन हमेशा बरकरार रखने के लिए साल में कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लेना है और आगे की आप सारी इनकम, सारी अचीवमेंट्स लेवल की इनकम आप ले सकते हो। तो इसके आपके 24 लाख होने के बाद में जब ग्रुप 24 लाख लेफ्ट में बनाता है पॉइंट वैल्यू और राइट में 24 लाख पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इनकम होता है ये 27,000 रूपए डेली होता है। और जब जब ये मैच करता है 24 लाख 24 लाख, तो आपको एवरी टाइम 27,000 रूपीज आपके अकाउंट में आते रहते हैं। उसके बाद में आपको पॉइंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका 24 लाख पॉइंट अचीवमेंट हो चुके हैं। अभी आगे की जितनी भी लेवल्स है वो आपको ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। तो आपका अभी ग्रुप बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड भी बढ़ रहा है, राइट साइड भी बढ़ रहा है। तो अभी ग्रुप में 60 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट साइड में हो रहे और 60 लाख पॉइंट वैल्यू आपके राइट साइड में हो रहे, तो यहाँ पर आपको 47,000 रूपए मिलते हैं, 47,000 रूपीज। उसके बाद में आपका ग्रुप और बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर आपके टर्नओवर भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे 2 करोड़ लेफ्ट में 2 करोड़ राइट में जैसे ही आपके टर्नओवर मैच होता है पॉइंट वैल्यू का, तो यहाँ पर आपको 80,000 रूपए आपको मिलते हैं। और लास्ट में जो होता है कि आपका ग्रुप का जो टर्नओवर है ये 5 करोड़ 5 करोड़ हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रूपीज पर डे मिल सकते हैं। मतलब कि आप एक बार अचीवमेंट कर ले 24 लाख, तो आने वाले दिनों में आप 1 डे यानी पर डे आप 25 लाख रूपीज पर डे कमा सकते हो, मतलब महीने के 25 लाख रूपीज। तो ऐसा दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है कि केवल आपको प्रोडक्ट परचेसिंग करने से, केवल लोगों को रिकमेंड करने से आप महीने का 25 लाख रूपीज अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये 25 लाख रूपीज अर्न करने के लिए आपको एवरी मंथ खरीदी करने की कोई कंडीशन कंपनी ने नहीं रखी है। बाहर की दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें यदि आपको इनकम बनाना है, चाहे आपका ग्रुप कितने भी बड़े हुए होंगे, कितना भी बिजनेस का टर्नओवर हुआ होगा, लेकिन उसमें इनकम यदि लेनी है तो आपको हर महीने आपको खरीदी करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार कंपनी 8 स्लैबों में डेली इनकम डिवाइड करती है। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको 20% मास्टरशिप बोनस कैसे इस सिस्टम से हम अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एटोमी ऐसा एक बिजनेस है जो कि दुनिया का बेहतरीन यूनिक बिजनेस है। चाहे हम आज तक के किसी भी कंपनी में काम किए होंगे, चाहे वो ग्लोबली कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना रही हो, लेकिन इस कंपनी का जब आप प्लान को स्टडी करेंगे, मास्टरशिप लेवल के बारे में आप स्टडी करेंगे, तो दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि जो इस तरह से कंपेंसेशन प्लान दे रही होंगे। वही कंपेंसेशन प्लान मैं आपके सामने में शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 20% मास्टरशिप बोनस लेवल में केवल 7 लेवल्स हैं। आज मार्केट में आप देखेंगे तो वहां पर ढेर सारी लेवल्स बताई जाती हैं, ये इनकम, वो इनकम, अलाना फलाना, सारी इनकम बताई जाती हैं। लेकिन कंपनी ने सोच समझकर केवल यहाँ पर 7 ही लेवल्स रखी हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस 20% मास्टरशिप बोनस लेवल को हम कैसे आसानी से अचीव कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके हम कैसे इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहला लेवल आता है सेल्स मास्टर। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो आपकी खरीदारी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे आप खरीदारी करते हो वैसे वैसे आपके पॉइंट भी एक्युमुलेट होते जाते हैं, और जैसे
आपके पॉइंट एक्युमुलेट होते जाएंगे, वैसे वैसे एक दिन ऐसे आने वाला है कि आपके पर्सनल जो पॉइंट है ये 7 लाख हो जाएंगे। जिस दिन भी आपके पर्सनल पॉइंट 7 लाख हो जाते हैं और आपका इस समय ग्रुप भी बहुत बड़ा बन चुका होता है, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जब 25 लाख लेफ्ट और 25 लाख राइट ये पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं 15 दिन के अंदर, यानी आपके जितने भी ग्रुप में लेफ्ट साइड में जितने भी लोग होंगे उन सभी का मिला के 15 दिन के अंदर में यदि 25 लाख लेफ्ट में पॉइंट वैल्यू हो रहे और 25 लाख राइट में पॉइंट वैल्यू हो रहे, तो आप इस सिस्टम के सेल्स मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो। तो यहाँ पर कंपनी जो 15 दिन के अंदर में जो ग्लोबल टर्नओवर होता है वो ग्लोबल टर्नओवर का 10% मतलब 10% जितने भी 15 दिन में सेल्स मास्टर बनते हैं या जो पहले बन चुके हैं और उन्होंने फिर से क्वालिफाई कर लिया है उनमें 10% समान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जो मिनिमम जो इनकम होता है सेल्स मास्टर का पहले 15 दिन का, ये मिनिमम 70,000 रुपीज में होता है। और जब हम पहली बार इसको अचीवमेंट करते हैं सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन को, तो यहाँ पर हमको एक बार जो रिवार्ड मिलता है वो रिवार्ड ये है कि हमको हिमोहिम का एक सेट मिलता है, उसके बाद में स्किन केयर 6 का एक सेट मिलता है और इवनिंग केयर का एक सेट मिलता है। ये केवल आपको एक ही बार मिलता है। इसके बाद फिर से यदि आपके 15 दिन के अंदर में फिर से लेफ्ट साइड ग्रुप का फिर से आपका 25 लाख पॉइंट वैल्यू हो रहा है और राइट साइड का फिर से 25 लाख पॉइंट वैल्यू हो रहा है, तो आपको फिर से 70,000 प्लस आपको इनकम यहाँ से मिलता है। मतलब सेल्स मास्टर यदि आप क्वालिफाई होते हो तो आप महीने का मिनिमम 1,40,000 रूपए आप अर्न कर सकते हो। इसके बाद में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, आप में खूब एनर्जी आने लगती है और आप आगे के लेवल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हो। और जब जब आप खरीदी करते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके जो पर्सनल पॉइंट है ये बढ़ने लगते हैं और आप सेकंड लेवल की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इस सिस्टम में जो सेकंड लेवल होती है उसको डायमंड मास्टर बोला गया है। और डायमंड मास्टर बनना है तो आपको आपके पर्सनल जो पॉइंट होते हैं ये 15 लाख पॉइंट होने चाहिए। जब आप पर्सनली 15 लाख पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हो तो आप इस सिस्टम के डायमंड मास्टर बनने के लिए कभी भी तैयार हो। तो डायमंड मास्टर यदि आपको बनना है तो अभी आपको केवल आपके लेफ्ट साइड में 2 सेल्स मास्टर बनाना है और राइट साइड में आपके 2 सेल्स मास्टर बनाना है। तो यहाँ पर कंपनी जो ग्लोबल टर्नओवर होता है ये ग्लोबल टर्नओवर का 5% सभी डायमंड मास्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है और यहाँ पर जो मिनिमम जो पर मंथ जो इनकम होता है ये 2,60,000 रूपए होता है। और इसमें वन टाइम आपको जो रिवार्ड मिलता है वो ऐसा रिवार्ड है कि एक आपको एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद में एक हिमोहिम का एक सेट मिलता है, उसके बाद में स्किन केयर 6 सेट एक मिलता है और इवनिंग केयर का 4 सेट एक मिलता है। और यहाँ पर आप डायमंड मास्टर क्वालिफाई करने के बाद में एवरी मंथ आप 2,60,000 रूपए इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में आपके ग्रुप भी बढ़ने लगते हैं, आपका इनकम भी बढ़ने लगता है, तो आप आने वाली जो तीसरी लेवल है सेरन रोज मास्टर इधर बनने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो जब आपके पर्सनली 24 लाख पॉइंट हो जाते हैं एक्युमुलेशन सिस्टम से तो आप सेरन रोज मास्टर बनने के लिए कभी भी क्वालिफाई हो सकते हो। तो सेरन रोज मास्टर यदि आपको बनना है तो आपको आपके लेफ्ट साइड में 2 डायमंड मास्टर बनाना है और राइट साइड में आपको 2 डायमंड मास्टर बनाना है। और ये 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट और राइट में बनाते हो 2-2 तो आप इस सिस्टम के सेरन रोज मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो। और यहाँ पर कंपनी जो ग्लोबल टर्नओवर होता है वो ग्लोबल टर्नओवर का 2% जितने भी सेरन रोज मास्टर बनते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर जो आपका जो मिनिमम जो मंथली जो इनकम होता है ये 6.5 लाख रूपए होता है। और यहाँ पर आपको जो रिवार्ड जो मिलते हैं तो यहाँ से आपके कैश रिवार्ड शुरू होते हैं और ये जो कैश रिवार्ड है जो वन टाइम आपको मिलता है वो है 1,30,000 रूपए। सोच के देखिए कि 1,30,000 रूपए आपको कैश रिवार्ड कैसा लगेगा आपको, वेरी नाइस।
और उसके साथ साथ कंपनी आपको 4 दिन की एक ओवरसीज ट्रिप देती है और उसके साथ में आपको 5-स्टार होटल में रहने का एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है। उसके बाद में जब आपके 24 लाख पॉइंट जब हो जाते हैं, आप सेरन रोड मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो, तो उसके आगे की जितनी भी लेवल है, 4थी लेवल, 5वीं लेवल, 6थी लेवल और 7वीं लेवल, तो अभी आपको पर्सनल अपने पॉइंट के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे अभी आपकी आगे की लेवल अचीवमेंट करते जाएंगे। तो 4थी लेवल है इसमें स्टार मास्टर। तो स्टार मास्टर बनने के लिए आपको केवल अभी 2 सेरन रोज मास्टर आपके लेफ्ट साइड में बनाना है और 2 सेरन रोज मास्टर आपके राइट साइड में बनाना है। ये जैसे ही आप 2 सेरन रोज मास्टर आप बना लेते हो तो आप इस सिस्टम के स्टार मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो। और यहाँ पर कंपनी जो ग्लोबल टर्नओवर होता है वो ग्लोबल टर्नओवर का 1.5% जितने भी लोग स्टार मास्टर बन जाते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आप ये स्टार मास्टर क्वालिफिकेशन जब करते हो तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम जो मंथली जो इनकम होता है ये 13 लाख रुपए पर मंथ होता है। और यहाँ पर आपको एक रिवार्ड जो मिलता है वो रिवार्ड में आपको एक कैश रिवार्ड मिलता है, और जो कैश रिवार्ड जो मिलता है उसमें आपको 6.5 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो रिवार्ड आपको मिलता है उसमें 8 दिन का ओवरसीज ट्रिप दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको 4 टिकट दी जाती है और आप 5-स्टार होटल में रहने के लिए आपको एक सुविधा उपलब्ध कराई दी जाती है। उसके बाद में आपका 5वां जो लेवल आता है रॉयल मास्टर। तो जैसे ही आप रॉयल मास्टर के लिए तरफ जाते हो तो रॉयल मास्टर क्वालिफाई यदि आपको करना है तो आपको मात्र 2 स्टार मास्टर आपके लेफ्ट साइड में बनाना है और 2 स्टार मास्टर आपके राइट साइड में बनाना है। तो यहाँ पर कंपनी ग्लोबल जो टर्नओवर होता है ये ग्लोबल टर्नओवर का 1% जितने भी रॉयल मास्टर बनते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है। और यहाँ पर जो आपका मिनिमम जो इनकम होता है जो पर मंथ ये 26 लाख रुपीज होता है, और उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर आपको जो कैश रिवार्ड देती है ये कैश रिवार्ड आपको $50,000 देती है, और साथ में एक क्रेडिट कार्ड देती है आपको हर महीने, और वो क्रेडिट कार्ड होता है 1,30,000 रूपए जो आपके खर्चे के लिए दिया जाता है। और ये हर महीने आप जब आप रॉयल मास्टर रहते हो तब आपको ये हमेशा मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी आपको एक कार देती है, और ये कार हुंडई 270 क्लास की कार है जिसकी मिनिमम जो कीमत है ये 37 लाख रुपीज है, और साथ में एक 4 ट्रैवल टिकट देती है, और इसमें आप 4 दिन और 5 नाइट ये आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद में जो जो लेवल है 6थी लेवल उसको बोला जाता है क्राउन मास्टर। तो क्राउन मास्टर यदि आपको बनना है तो आपको आपके लेफ्ट साइड में 2 रॉयल मास्टर बनाना है और राइट साइड में आपको 2 रॉयल मास्टर बनाना है। तो ये जब आप 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट और राइट में बना देंगे तो आप इस सिस्टम के क्राउन मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो, और यहाँ पर कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का 0.5% जितने भी क्राउन मास्टर बनते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम जो इनकम होता है पर मंथ यहाँ पर 52 लाख रुपीज पर मंथ होता है। यहाँ पर आपको जो कैश रिवार्ड मिलता है ये 19,50,000 का कैश रिवार्ड मिलता है वन टाइम। उसके बाद में आपको एक कार गिफ्ट दी जाती है 380 क्लास हुंडई की, इसकी जो कीमत है मिनिमम 57 लाख रुपीज है, और आपको 4 टिकट दिए जाते हैं यूरोप के लिए जिसमें आप 7 रातें और 8 दिन आप इसका एंजॉयमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक हर महीने जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है आपके खर्च करने के लिए वो 3,25,000 रूपए का क्रेडिट कार्ड होता है। मतलब आपको कहीं ट्रेनिंग लेने जाना है, कहीं मीटिंग लेने जाना है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज आप कर सकते हो। उसके बाद में सबसे जो लास्ट लेवल होता है इम्पीरियल मास्टर। तो इम्पीरियल मास्टर के बाद में कोई लेवल नहीं होने की वजह से यहाँ पर आपका फिक्स पेमेंट होता है। यहाँ पर इम्पीरियल मास्टर यदि आपको क्वालिफाई करना है तो मात्र आपको 2 क्राउन मास्टर आपके लेफ्ट साइड में बनाना है और 2 क्राउन मास्टर आपके राइट साइड में बनाना है। तो ये बनाने के बाद में आप इम्पीरियल मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो,
यहाँ पर कंपनी जो ग्लोबल टर्नओवर होता है ये ग्लोबल टर्नओवर का 0.3% जितने भी इम्पीरियल मास्टर बनते हैं उनमें सेम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर जो मिनिमम जो आपका इनकम होता है ये 65 लाख रुपीज पर मंथ होता है और यहाँ पर आपको वन टाइम जो कैश रिवार्ड मिलता है ये 6.5 करोड़ रुपए होता है। आज तक के दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी होंगी, लेकिन उन्होंने कैश रिवार्ड 6.5 करोड़ रुपए नहीं दिया। ये एकमात्र दुनिया की कंपनी है कि जो कैश रिवार्ड आपको ऑफर करती है। उसके बाद में एक आपको लग्जरी कार दी जाती है, कार के साथ में जब आप इम्पीरियल मास्टर क्वालिफाई होते हो तो कार के साथ में एक ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है, एक आपको पर्सनल ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, एक आपको पर्सनल सेक्रेटरी प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो लगने वाला जो भी खर्चा है, ऑफिस का खर्चा, पर्सनल सेक्रेटरी का जो पेमेंट होता है, ड्राइवर का जो पेमेंट होता है, ये सब कंपनी करती है, आपको अपने पॉकेट से कुछ भी देना नहीं है। तो ऐसी बातें दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं दे रही। उसके साथ साथ आपको 7 डेज का ओवरसीज ट्रिप दिया जाता है साल में 2 बार। मतलब आप एक बार जैसे इम्पीरियल मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपके फैमिली के साथ में आप साल में 2 बार 7 दिनों की छुट्टी मनाने अदर कंट्री में आप जा सकते हो। और जब आप इम्पीरियल मास्टर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको हर महीने एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, वो है 6.5 लाख रुपए पर मंथ। ये इसलिए दिया जाता है कि आपको गाड़ी में लगने वाला पेट्रोल है, आपके गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, आपको कहीं जाना हो रहा है, कहीं मीटिंग जाने लेने के लिए जाना हो रहा है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए ये कंपनी 6.5 लाख रुपए आपको पर मंथ प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार कंपनी 20% जो मास्टरशिप बोनस है ये 7 लेवलों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने जो बताई आपको इस मास्टरशिप लेवल के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप में से सेंड कर सकते हो और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।